हेलो दोस्तों, नेचर हाउस में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं विंटर अल्पाइन स्ट्रॉबेरी वैरायटी। और ये दोस्तों अगर आप अभी तक अपने गार्डन में नहीं लगाए हो तो ज़रूर इसे लगाएं। और इसे अक्टूबर महीने में नर्सरी से लेकर आएँ। इसे सीड्स ग्रो करना काफ़ी मुश्किल है, तो आप इसे नर्सरी से खरीद के परचेज करके ही लाएँ। मैंने इसे 70 रुपये में खरीदा हुआ है। यहाँ के नर्सरी में काफ़ी सारे अलग अलग रेट है। इसके लिए सोशल मीडिया दोस्तों कुछ खास नहीं, बस हैवी न्यूट्रिशन होनी चाहिए, न्यूट्रिशन से भरपूर होनी चाहिए इसके लिए। और ज़्यादा अधिक बड़ा गमला की जरूरत नहीं होती है, जिसमें रेडियस काफ़ी अच्छी हो, चौड़ाई वाली गमली हो और गढ़ाई 6 इंच काफ़ी है इसके लिए। जैसे आप देख सकते हो मैंने वाटर मिल्टन के 2 हिस्सों में बांट के उसमें काफ़ी सारा छेद बना रखा है कि पानी इसमें नीचे होल्ड ना करे और पानी अच्छे से ड्रेनेज सिस्टम इसका अच्छा रहे और आराम से पानी निकल जाए। और जो मैं देख सकते हो आप जो पुराने टूटे हुए गमले का कुछ हिस्सा मैं उस टुकड़े को रख रहा हूँ मैं, जिसका उभरा उसी हिस्सा ऊपर की ओर है। और इसके बाद मैं कुछ रेत के एक हिस्सा डाल दूँगा, जिससे क्या होगा कि पानी नीचे सतह के नीचे जब पहुँचे तो ठहरे नहीं, आराम से निकल जाए और मिट्टी के बहने की वजह से छेद जो होगा और जाम ना हो। तो आप देख सकते हो इसमें कोई मेहनत नहीं है, कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करना है मुझे। और दोस्तों एक और चीज़ दोस्तों, अब आते हैं इसे कैसे केयर, कैसे इसका ख्याल रखें। दोस्तों इसे फूड सॉलेंट पसंद है, इसे जहाँ भी रखें उसे 4 से 5 घंटे की धूप आती हो। और इसे वाटरिंग तभी करें जब इसकी मिट्टी सूख जाए, सूखने लगे। और इसे ना ही ज़्यादा गीली मिट्टी पसंद है और ना ही सूखा, तो इसका ध्यान रखें। पानी हमें उतना ही देना है जितना इसकी ज़रूरत हो। नर्सरी से जब इसे लाए इसे हम, तो हम जिस मिट्टी में लगा है उसी मिट्टी में वैसे ही उसको हम उसे लगा देंगे। हमें मिट्टी तोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे तो ये विंटर अल्पाइन जो होता है थोड़ा सा हार्डी होता है, आप देख सकते हो, और इस काफ़ी चिकना मिट्टी है, तो मैं इसे थोड़ा सा हटा के लगा रहा हूँ इसे। और लगाते समय इस बात का ध्यान रखें जो इसका जो स्टेम होता है वो स्टेम से ऊपर मिट्टी ना जाए, ना लगाएं उसमें, क्योंकि जब स्टेम के ऊपर तना के ऊपर जब मिट्टी या पानी ठहरता है तो तना सड़ने लगता है, इससे आपका स्ट्रॉबेरी का जो प्लांट होगा वो ख़राब हो जाएगा। और आप जो फूल के साथ जो फल लेना चाहते हो आप, वो अच्छा नहीं होगा, तो अपना पैसा भी बर्बाद होगा, वक्त भी बर्बाद होगा। तो इस बात का ध्यान रखें जब लगाएं, जिसकी इसकी स्टेम की जितनी हाइट हो उतनी रहने दें। एक बार मैं गमले में डाल के इसको देख लेता हूँ कि क्या कैसा है उसका हाइट वगैरह। और मैं गमले में 1 इंच की गहराई में लगाऊंगा इसको, ठीक है दोस्तों। तो एक बार इसको लगा लेता हूं, उसके बाद से आपको दिखाता हूं। देख सकते हो दोस्तों, मैं जहां मैं उंगली रखा हूं उसकी ऊंचाई से अधिक ऊंचाई नहीं होनी चाहिए, जहां से है वहीं तक मिट्टी रखनी होगी आपको। सोशल मीडिया आप देख सकते हो। एक बार मैं लगा दूँ इसे और सेंटर में रख के इसे लगा दें। एक बार लगा के मिट्टी सारे भर अच्छी तरह से भर के मैं आपको दिखाता हूँ। हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों, आप देख सकते हो मैंने किस तरह चारों तरफ मिट्टी चारों तरफ से भर दिया इसे और अच्छी तरह से दबा दिया मिट्टी। आप देख सकते हो जो स्टेम दिख रहा है, जो लाल लाल कलर का जो दिख रहा है, उससे अधिक ऊंचा नहीं जाना चाहिए, उसके नीचे ही हो मिट्टी, ताकि उस पर जब पानी अब डालो तो जो पानी वहाँ पर होल्ड ना करे। और जब पानी जब ठहरेगा, जिससे आपका पौधा ख़राब हो सकता है, सड़ सकता है और फंगस अटैक हो सकता है इस पर, तो इस बात का काफ़ी ध्यान रखें हम। और इसमें वैसे इसमें तो मैंने सारी चीज़ ऑर्गेनिक ही चीज़ इस्तेमाल किया है, ऑर्गेनिक, और कोई भी केमिकल वगैरह इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन वाटरिंग करने समय, इसमें पानी डालने के समय पहला जाता था, जब पानी डाला जाता है तो इसमें 1 चम्मच फंगीसाइड मिला के मैं इसमें वाटरिंग करूँगा इसको। बस ये पहली दफ़ा ही वाटरिंग करूँगा इसको, उस बाद से मुझे कोई वाटरिंग में फंगीसाइड मिक्स करके ज़रूरत नहीं है। और ठीक इसके 1 सप्ताह बाद दोस्तों मैं इसमें सरसों खली का इस्तेमाल करूंगा मैं, ताकि इसमें ग्रोथ हो। दोस्तों जब पहली बार इसमें वाटरिंग करें तो इसे पूरी भरपूर पानी करें, ताकि ऊपर से
पानी नीचे आते दिखाई दे आपको, इससे दो चीज़ का पता रहेगा कि कोई बबल ना बने। आप देख सकते हो एक सप्ताह के बाद फोटो। दोस्तों मल्चिंग इसमें बहुत जरूरी हिस्सा होता है, जब इसका फ्रूटिंग आने लगे तो हमें नीचे सूखी पत्ते या कुछ घास या पुआल वगैरह रख देना चाहिए, जिससे पौधे जो फल होगा फल मिट्टी के संपर्क में ना आए, और मिट्टी के संपर्क में आने से फल में फंगस का अटैक होता है और फल खराब हो सकता है। और दोस्तों जब ये फल पकता है तो इसकी मिठास से कुछ चूहे या चिड़िया इस पर इसको खा जाते हैं, तो थोड़ी सी दिक्कत हुई क्योंकि मेरा भी ये दूसरी बार जो फल पका तब मैं आपको ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। मैं पहला फल को किसी चूहे ने इसे खा गया था, तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे। बस इसे हर 15 दिन पे सरसों खली देते रहें, सरसों खली और थोड़ा सा जैविक खाद, और इसके ढेर सारा फल लेते रहें क्योंकि हेवी फीडर होता है, हेवी न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, इसलिए आपको हर 15 दिन पे कुछ ना कुछ डालना होगा अल्टरनेट करके। ठीक है दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, अभी तक देख रहे हो आप इसलिए मैं आभारी हूँ, और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कुछ नया कुछ अलग लेके। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच दोस्तों।